अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होते होते रहा और इस वीडियो अपडेट में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भागलपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन फिलहाल में ही शुरू हुआ है और इस ट्रेन में शुरू होने के बाद यह पहला हादसा हो चुका। तो चलिए इसको पूरे विस्तार में जानते हैं। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बनकर यह ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है और आए दिन इस ट्रेन में 3 यात्री की जांच कोरोना पॉजिटिव के दौरान पॉजिटिव पाए गए। इसमें मुंगेर के निवासी 47 वर्षीय महिला यात्री ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पहुंची और जांच के दौरान ये महिला पॉजिटिव पाई गई। इसके बावजूद महिला यात्री ने ट्रेन में सवार होना चाहा, लेकिन रेल प्रशासन ने इसे रोका, जिसके बाद महिला ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस तरह की लापरवाही हजारों यात्री के ऊपर भारी पड़ सकती है। अगर जरा सी चूक रेल प्रशासन से हो जाती तो यह बड़ा हादसा से कम नहीं था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुआ है और इस कारण ट्रेन में इस तरह के लोग चढ़ जाते हैं तो फिर जो लोग सफर कर रहे अन्य यात्रियों को भी खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान मामले को गंभीरता से जांच करते हुए अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों की कोरोना जांच होती है और इसके बाद ही ट्रेन में अनुमति मिलती है। लेकिन यह लापरवाही कितना भारी पड़ सकता था, सोचिए अगर आप सफर कर रहे हो और आपके बगल में कोई कोरोना पॉजिटिव महिला या फिर कोई अन्य आदमी आ जाए तो कितना लापरवाही वाला बात होगा। लगातार सरकार और रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चला रही है जिससे कोई भी यात्री कोई भी मजदूर को परेशानी ना हो, लेकिन इस तरह का लापरवाही हो जाने से सरकार को फिर से ट्रेन बंद करना पड़ सकता है।